बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव व पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव कल यानी 2 जून को आरा पहुंचेंगे। इस दौरान मीरगंज स्थित बासटाल के समीप समृद्धि होटल का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर भोजपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी दौरान मीरगंज स्थित होटल समृद्धि का जायजा लेने सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्र प्रकाश, SDO ज्योतिनाथ सादेव पहुंचे। होटल का निरीक्षण करते हुए पदाधिकारियों ने दिशा निर्देश दिया। आगमन को लेकर पहले से ही जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। शहर में भ्रमण चालू है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव व पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ कई बिहार राज्य के मंत्री होंगे, साथ ही जिले के कई विधायक व गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं होटल के निदेशक पूर्व MLC लालदास राय ने बताया कि जो जिला प्रशासन से गाइडलाइन मिला है, हम उसका पालन करेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का आगमन शुक्रवार को होगा। कल एक बहुत भव्य आलिशान खूबसूरत होटल कॉम्प्लेक्स के साथ उद्घाटन हो रहा है। कई राजद के दिग्गज नेता आने वाले हैं, साथ में उप मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। बिल्कुल, आपका कहना सही है। कल माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम बिहार और भूमि राजस्व सुधार विभाग के आलोक नेता राजेंद्र जी, जितेंद्र यादव जी और उद्योग विभाग के समीर कुमार महासेठ आ रहे हैं। क्या क्या खूबसूरत है यहाँ पर, कुछ बताएंगे? यहाँ सबसे बड़ी खूबसूरती है बिल्डिंग का, जो खूबसूरती है, लेकिन हम लोगों ने अपने में तय किया है कि गरीब आदमी के शादी विवाह जो है हम लोग इसमें कराएंगे, आएगा तो, और जितना हो सकेगा उतना मदद करेंगे, और जो अति गरीब होगा उससे कुछ नहीं लेंगे, उसे फ्री बैठे। यानी इस होटल में जो साधारण तबके के लोग होंगे कंसेशन होगा, यदि गरीब होंगे उनके लिए पूरी तरीके से छूट दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका थीम ये है। हमारी आयु 82 साल की हो गई और आपके यहाँ आए हुए हमको 65 साल हो गए, तो छपरा से आ करके मेरे दिमाग में बात आई कि अपने पुत्र सुनील कुमार को आदेश दें कि इस तरह का वो काम करे, जैसे मैंने समाज की सेवा की, आप भी समाज की सेवा की। आपने सुना होगा बिल्कुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवास से उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, PT, ETC बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौवा।